नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का अपना जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो मेरे कमेंट बॉक्स में भी आया था कि DBMS के जो भी क्वेश्चन है वो करवाएं आप, तो मैं आज अभी जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज है जो आर्किटेक्चर ऑफ डेटाबेस। तो सबसे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ANSI और SPRC में प्रयुक्त 3 स्कीमाओं में से एक नहीं है। तो ANSI की जो है वो विशेष जो 3 स्कीम जो होती है वो नहीं है इसमें से, वो कौन कौन से नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, इंटरनल होती है, एक्सटर्नल होती है और कंसेप्चुअल होती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। सही आंसर फर्स्ट का बी। नेक्स्ट, 3 स्कीमा मॉडल में प्रयुक्त 3 में से कौन सा स्कीमा डेटाबेस का पूर्ण तार्किक दृष्टिकोण है। तो सेकेंड का जो सही आंसर है वो है ए, कंसेप्शन। तो कंसेप्शन जो है इसका सही आंसर है ए। नेक्स्ट, 3 स्कीमा मॉडल में प्रयुक्त 3 में से कौन सा स्कीमा यह दर्शाता है कि उपयोगकर्ता डेटाबेस को कैसे देखते हैं। तो थर्ड का जो सही आंसर है वो है ए, एक्सटर्नल। नेक्स्ट, हालांकि सभी डेटाबेस पेशेवर प्रदर्शन से संबंधित है, डेटाबेस पेशेवर का चयन करें जो डेटाबेस प्रदर्शन से संबंधित होने की सबसे अधिक संभावना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डेटाबेस एडमिनिस्टर, जिसे हम बोलते हैं DB। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या फोर्थ, क्वेश्चन संख्या जो फोर्थ है वो क्वेश्चन है कि कौन सा डेटाबेस मॉडल एलिमेंट के बीच पेरेंट चाइल्ड संबंध बनाता है और प्रत्येक चाइल्ड को केवल एक पेरेंट रखने के लिए प्रतिबद्धित करता है। तो यहाँ 5 का जो सही आंसर है वो है डी, हायरार्किकल। नेक्स्ट, कौन सा डेटा मॉडल डेटा एलिमेंट के बीच पेरेंट चाइल्ड संबंध बनाता है और प्रत्येक चाइल्ड को एक से अधिक पेरेंट रखने के सक्षम। तो यहाँ पे क्या है, एक से अधिक पेरेंट रखने के जो सक्षम होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क। सही आंसर बी। नेक्स्ट, एक पेड़ जैसी संरचना में डेटा को व्यवस्थित करने वाला पुराना तार्किक डेटाबेस मॉडल, तो पुराना जो तार्किक मतलब जो लॉजिकल डेटाबेस है वो कौन सा मॉडल है। तो 7 का सही आंसर है वो है सी, हायरार्किकल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस मॉडल टेबल स्ट्रक्चर में डेटा स्टोर करता है और टेबल रो और कॉलम पर विभिन्न ऑपरेशन करता है। तो टेबल रो और कॉलम पर विभिन्न ऑपरेशन जो करता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है रिलेशनल। तो सही आंसर है इसका बी। नेक्स्ट, 9th क्वेश्चन, तो 9th क्वेश्चन जो है वो है हायरार्किकल डेटाबेस कब बहुत कुशल होता है, तो मतलब वेरी इफिशियंट ये कब होता है हायरार्किकल। तो ये जो 9 का जो सही आंसर है वो है यहाँ पे हैंडलिंग द लिटिल अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन और हैंडलिंग लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन। तो सही आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट, 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के लिए प्रमुख क्षेत्र नहीं है। तो डेटाबेस जो DB है, DB का जो प्रमुख क्षेत्र नहीं है वो कौन सा है, वो है प्रोग्रामिंग। तो सही आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट, DB स्टैंड फॉर, तो DB की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, तो 11 का सही आंसर है वो डी, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक डेटाबेस की संरचना का वर्णन करने के लिए उपयोग की जाने वाली अवधारणाओं के संग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ 12 का जो सही आंसर है वो है बी, डेटा मॉडल। नेक्स्ट, रिलेशनल मॉडल है, तो रिलेशनल जो मॉडल है वो कौन है, वाज डेवलप बोर IBM, वाज फर्स्ट प्रपोज्ड इन 1970, वाज डेवलप बाय EF कोड। तो सही आंसर होगा इसका डी। 14, भौतिक डेटाबेस डिजाइन का निर्णय किस पर पड़ने वाले प्रभावों के कारण सावधानी से किया जाना चाहिए। तो 14 का सही आंसर है डेटा एक्सेबिलिटी, रेस्पॉन्स टाइम और सिक्योरिटी। तो सही आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट, 15, विभाजन का एक फायदा है, तो मतलब एन एडवांटेज ऑफ पार्टीशनिंग, तो विभाजन का क्या फायदा है, वो है एफिशिएंसी। सही आंसर होगा इसका 15 का बी। नेक्स्ट, विभाजन का एक नुकसान है, तो विभाजन का जो नुकसान है, जो डिसएडवांटेज है वो क्या है, वो है एक्स्ट्रा स्पेस एंड अपडेट टाइम। नेक्स्ट, मर्ज संबंध महत्वपूर्ण है क्योंकि, तो मर्ज रिलेशन जो है वो महत्वपूर्ण है क्योंकि न्यू डेटा रिक्वायरमेंट में प्रोड्यूस न्यू रिलेशन टू बी मर्ज, और इसका सेकंड है डिफरेंट व्यू एंड में नीड टू बी इंटीग्रेटेड। तो सही आंसर होगा इसका बी, ए एंड बी दोनों। 18, कंप्यूटर डिस्क स्टोरेज में डेटाबेस को व्यवस्थित करना क्या कहलाता है। तो कंप्यूटर के डिस्क स्टोरेज में डेटाबेस को व्यवस्थित करना हो तो उसे हम
क्या कहेंगे, उसे कहेंगे फिजिकल डिजाइन। तो सही आंसर होगा इसका डी। 19, डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूशन की एक विधि को संदर्भित करता है जिसमें डेटाबेस के विभिन्न भाग नेटवर्क में विभिन्न नोड पर रहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा 19 का, वो होगा पार्टीशनिंग। सही आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बुनियादी डेटा वितरण रणनीतियां है? तो रणनीति जो है किसकी, बुनियादी डेटा वितरण की। तो यहां 20 का जो सही आंसर है वो है डी, ऑल। नेक्स्ट, डेटाबेस वितरण की एक विधि को संदर्भित करता है जिसमें एक डेटाबेस में डेटा होता है और दूसरे डेटाबेस में शामिल होता है। तो 21 का जो सही आंसर है वो है रिप्लिकेशन। तो सही आंसर होगा इसका बी। संबंध परक स्कीमा और संबंध के बारे में अन्य मेटा डेटा को नामक संरचना को संग्रहित किया जाता है। तो मेटा डेटा को किस में संरचना में संग्रहित किया जाता है? तो मेटा डेटा को किया जाता है, वो किया जाता है डेटा डिक्शनरी। सही आंसर डी। डेटाबेस जो डेटाबेस का तार्किक डिजाइन मतलब लॉजिकल डिजाइन, और डेटाबेस जो किसी दिए गए समय पर डेटाबेस में डेटा का एक स्नैपशॉट। तो स्नैपशॉट जो लिया जाता है, अब इसमें जो 23 का जो सही आंसर होगा वो होगा यहाँ पे जो आएगा वो आएगा स्कीमा, जो डेटाबेस का लॉजिकल होता है, और यहाँ होगा इंस्टेंस। तो सही आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट, एक योजना यह है निर्धारित करती है कि डेटाबेस में किस भाषा का प्रतिनिधित्व किया जाता है। तो डेटाबेस में कौन सी लैंग्वेज जो यूज होती है, तो वो होती है करेक्टर सेट। सही आंसर ए। एक एकल क्लाइंट प्रक्रिया के लिए अनुरोध को संभालने वाली सर्वर प्रक्रिया की जिम्मेदारी, तो सर्वर प्रक्रिया की जो जिम्मेदारी होती है उसे हम क्या कहते हैं, डेडिकेटेड सर्वर। सही आंसर बी। 26, क्लाइंट को सर्वर से जोड़ने के लिए ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम TPS सिस्टम के इंटरफेस को नाम दिया गया। तो यहाँ पे 26 का जो सही आंसर होगा वो होगा ट्रांजेक्शन रिमोट प्रोसीड्यूर कॉल। तो सही आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट, केवल कुछ ही प्रोसेसर वाले अधिकांश सामान्य उद्देश्य वाले कंप्यूटर सिस्टम को क्या कहा जाता है? तो जनरल पर्पज वाले जो कंप्यूटर होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है यहाँ कोर्स ग्रैनुलरिटी पैरेललिज्म। तो सही आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट, डेटा डिक्शनरी केस के रूप में भी जाना जाता है। तो डेटा डिक्शनरी केस के रूप में क्या जाना जाता है, तो केस के रूप में जो जाना जाता है वो है रॉ केस। सही आंसर होगा 28 का सी। नेक्स्ट, डेटाबेस सुरक्षा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। तो डेटाबेस जो सुरक्षा प्रदान करता है तो वो किस में करता है, वो करता है यहाँ पे इनक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन और एक्सेस कंट्रोल। तो सही आंसर होगा इसका डी। वह प्रक्रिया जो प्रश्नों को निष्पादित करती है और परिणाम को वापस भेजती है कहलाती है। तो यहाँ 30 का जो सही आंसर है वो है बी, सर्वर प्रोसेसर, सॉरी सर्वर प्रोसेसेस। नेक्स्ट, कार्डिनेटल्स को सत्यापित करने और डेटाबेस तक पहुंच की अनुमति देने की प्रक्रिया को कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे जो 31 का जो सही आंसर है वो है डेटाबेस ऑथेंटिकेशन। तो सही आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट, सर्वर प्रक्रिया को लॉक मैनेजर कार्य क्षमता को लागू करती है वो कहलाती है। तो यहाँ लॉक प्रक्रिया को जो लागू करते कहलाती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम लॉक मैनेजर प्रोसेसेस। डेटा के लिए संसार की एक इकाई, तो डेटा के लिए जो संसार की जो एक इकाई है वो कौन सी है, कोरस ग्रैनुलरिटी पैरेललिज्म। तो सही आंसर होगा इसका सी। डेटाबेस टेबल और व्यू के रीड ओनली संग्रह को किसके माध्यम से एक्सेस किया जाता है? तो ये जो माध्यम होता है वो कौन सा होता है, डेटा डिक्शनरी का माध्यम। डेटाबेस के लिए डेटा ब्लॉक का आकार यदि इसके दौरान तय किया जाता है, तो तय किया जाता है डेटाबेस के डेटा ब्लॉक का आकार। तो यहाँ पे जो 35 का जो सही आंसर है वो है यहाँ पे ए, क्रिएशन। नेक्स्ट, एसक्यूएल, एसक्यूएल की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, और एसक्यूएल कथन सहित एक तार्किक इकाई को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे जो लॉजिकल एंटिटी एसक्यूएल स्टेटमेंट में क्या कहा जाएगा, तो यहाँ 36 का जो सही आंसर वो है ए, डेटाबेस ऑपरेशन। उपयोगकर्ता प्रश्न प्राप्त करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उपयोगकर्ता प्रश्न प्राप्त करने के, तो मतलब यहाँ प्रश्न जो है यहाँ पे क्वेरी जो है उसे क्या कहा जाएगा, तो उसे कहा जाएगा यहाँ पे सर्वर प्रोसेसेस। सही आंसर 37 का सी। नेक्स्ट, विशेषता मानों के एक अनियंत्रित सेट को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है,
तो ये जो नाम है वो है टपल्स। सही आंसर होगा सी 39। निगरानी और मूल्यांकन प्रदान करना किसकी जिम्मेदारी है? तो निगरानी और मूल्यांकन यदि प्रदान करना हो तो ये किसकी जिम्मेदारी होती है? तो ये जिम्मेदारी होती है डेटाबेस सिक्योरिटी की। तो सही आंसर 39 का ए 40। एक गैर प्रक्रियात्मक भाषा का नाम होना चाहिए, तो गैर प्रक्रियात्मक भाषा का नाम क्या होना चाहिए? तो वो होना चाहिए डिक्लेरेटिव लैंग्वेज। तो सही आंसर होगा 40 का सी। नेक्स्ट, एक तरफा कंप्यूटिंग क्षमताओं का प्रावधान विशेषताओं के माध्यम से सौंपा जाता है। तो यहाँ पे एक तरफा कंप्यूटिंग क्षमताओं का जो प्रावधान है तो उसकी विशेषता जो होगी वो कौन सी होगी? वो होगी ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस। नेक्स्ट, जिसमें एक पेस्ट या एकाधिक पेस्टों पर एक साथ सभी डेटा को एक साथ लॉग किया जाएगा तो क्या कहलाएगा? तो एक साथ लॉक किया जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्लस्टर लेवल लॉकिंग। तो सही आंसर होगा ए 43। पीरियोडिक चेक पॉइंट को परफॉर्म करने के लिए जिम्मेदार प्रक्रिया को, तो जिम्मेदार प्रक्रिया कौन सी होगी? तो 43 का जो सही आंसर होगा वो होगा चेक पॉइंट प्रोसेस। एक टेबल पर ट्रिगर जो ठीक एक समय बिंदु के लिए विशिष्ट क्रियाओं को सक्षम बनाता है क्या कहलाता है? तो यहाँ 44 का जो सही आंसर है तो वो है यहाँ पे डी सिंपल ट्रिगर। तो सही आंसर होगा 44 का डी। नेक्स्ट 45, एसक्यूएल लीजिए। तो एसक्यूएल क्या होती है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो यहाँ पे 45 का जो सही आंसर है वो है डी नॉन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज। तो सही आंसर होगा 45 का डी। नेक्स्ट 46, डेटाबेस डेटा फाइलों में संग्रहित की जाती है। तो डेटाबेस डेटा फाइल कहाँ संग्रहित की जाती है? तो ये की जाती है अपने टेबल स्पेस। तो सही आंसर होगा 46 का सी। 47, एक सर्वर प्रक्रिया को लॉक ग्रांट, लॉक रिलीज और डेड लॉक डिटेक्शन का प्रबंध करती है। तो लॉक ग्रांट, लॉक सीरीज और डेड लॉक डिटेक्शन का प्रबंधन मतलब यहाँ पे मैनेजमेंट करती है। तो यहाँ 47 का जो सही आंसर है वो है डी लॉक मैनेजर प्रोसेस। ट्रांजेक्शन सर्वर सिस्टम को किस नाम से भी जाना जाता है? तो ट्रांजेक्शन सर्वर सिस्टम को किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है क्वेरी सर्वर सिस्टम के नाम से। तो 48 का सही आंसर है सी। 49, एक ही ऑपरेशन के साथ समांतर निष्पादन सर्वरों की एक संबंध संख्या को इसकी कहा जाएगा। तो क्या कहा जाएगा यहाँ पे? तो ये कहा जाएगा डिग्री ऑफ पैरेललिज्म। सही आंसर होगा 49 का सी। नेक्स्ट 50, एकाधिक सीपीयू का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए इसे डिजाइन करने की आवश्यकता होती है। तो 50 का जो सही आंसर है वो है बी पैरेलल एजुकेशन। सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट 51 जो क्वेश्चन कह रहा है बैक एंड सर्वर सिस्टम आर्किटेक्चर है। तो बैक एंड सर्वर सिस्टम जो आर्किटेक्चर है वो कौन सा है? तो वो है यहाँ पे एसक्यूएल इंजन। तो सही आंसर होगा 51 का बी। 52, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्वर टाइम में नेटवर्क स्टोरेज और ह्यूमन इंटरेक्शन को किसके माध्यम से प्रोविजन किया जा सकता है? तो ये प्रोविजन जो किया जाता है तो वो किया जाता है ऑन डिमांड सेल्फ सर्विस के माध्यम से। तो 52 का सही आंसर ए। डिस्क स्थान को कम करने के लिए डेटा खंडों को संपीड़न को किस रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पे द कंप्रेशन ऑफ द डेटा सेगमेंट टू रिड्यूस डिस्क स्पेस इज नाउन। तो यहाँ 53 का जो सही आंसर होगा वो होगा बी टेबल कंप्रेशन। नेक्स्ट, जबकि एक DDL ऑपरेशन वस्तु पर कार्य करता है तो संदर्भित करता है किसके द्वारा? तो DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो यहाँ 54 का सही आंसर होगा वो होगा सी लॉकिंग। 55, डेटा एक्सेस और डेटाबेस गतिविधियों को प्रतिबंधित करने की जिम्मेदारी, तो ये प्रतिबंध करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? डेटा एक्सेस कंट्रोल की। तो सही आंसर 55 का डी। 56, ट्रांजेक्शन सर्वर सिस्टम एक प्रदान करता है। ट्रांजेक्शन सर्वर सिस्टम क्या प्रोवाइड करता है? तो 56 का जो आंसर है वो है सी इंटरफेस। प्रशासनिक स्तर पर समस्याओं की जांच के लिए उपयोग किए जाने वाले नैदानिक डेटा फाइल क्या कहलाती है? तो ये क्या कहलाएगी? तो ये जो कहलाती है ट्रांस फाइल। सही आंसर होगा बी। लॉग रिकॉर्ड, बफर में लॉग रिकॉर्ड जोड़ना, तो मतलब एडिंग लॉग रिकॉर्ड टू द लॉन्ग रिकॉर्ड बफर इज द जॉब। तो यहाँ 58 का जो सही आंसर है वो है सी सर्वर प्रोसेसेस। एक ही आउटपुट के क्यू के लिए कई इनपुट वैल्यू को हैजिंग करने वाला शब्द,
तो यहाँ पे जो हैजिंग करने वाला जो शब्द होता है, तो 59 का सही आंसर है वो है बी, हैज कॉलिशन, सही आंसर बी। फ्रंट एंड सर्वर सिस्टम आर्किटेक्चर, तो फ्रंट एंड सर्वर सिस्टम जो आर्किटेक्चर है वो कौन सा है, डेटा माइनिंग एंड एनालिसिस टूल्स, एसक्यूएल यूजर इंटरफेस, रिपोर्ट जनरेटिंग टूल्स, तो सही आंसर होगा इसका डी। 61, बफर को लगातार आधार पर डिस्क पर ब्लॉक करने वाली प्रक्रिया, तो बफर को लगातार आधार पर डिस्क पर ब्लॉक करने की जो प्रोसेस होती है तो उसे हम क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है डेटाबेस राइटर प्रोसेसेस। जब दो या दो से अधिक उपयोगकर्ता एक दूसरे के साथ लॉक किए गए और डेटा को प्रतीक्षा कर रहे हैं, ऐसी स्थितियों को जाना जाता है, तो ऐसी स्थितियों को क्या जाना जाता है, डेड लॉक, सही आंसर होगा 62 का सी। 63, थ्री टीयर आर्किटेक्चर में एप्लीकेशन सर्वर एक्सेस करने के लिए डेटाबेस सिस्टम के साथ संचार करता है, तो 63 का जो सही आंसर है वो है डी, डेटा। नेक्स्ट, एप्लीकेशन का व्यावसायिक तर्क कहलाता है कि किन परिस्थितियों में किन क्रियाओं को करना है, इससे अंतर्निहित है, तो 64 का सही आंसर है वो है ए, एप्लीकेशन सर्वर। 65, डेटाबेस सिस्टम को संरचित कंप्यूटर आर्किटेक्चर का फायदा उठाने के लिए डिजाइन किया जा सकता है, तो प्रॉफिट उठाने के लिए जो डिजाइन किया जाता है तो उसे क्या कहा जाएगा, पैरेलल, सही आंसर डी। 66, वह शब्द जो यह बताता है कि किन परिस्थितियों में क्या करना है और क्या कहलाता है, तो यहाँ पे 66 का जो सही आंसर वो है बी, बिजनेस लॉजिक। एप्लीकेशन क्लाइंट मशीन पर रहता है और क्वेरी स्टेटमेंट के माध्यम से सर्वर मशीन पर डेटाबेस सिस्टम की कार्य क्षमता को आमंत्रित करता है, किस प्रकार जाना जाता है, तो 67 का सही आंसर है वो है सी, टू टीयर आर्किटेक्चर। निम्नलिखित में से किस कमांड का प्रयोग टेबल के अंदर एक कॉलम को मॉडिफाई करने के लिए किया जाता है, तो कॉलम को मॉडिफाई करने के लिए जो किया जाता है तो वो क्या है, अल्टर। नेक्स्ट, 69, कॉलम में मानों की रिकॉर्ड की संख्या ज्ञात करने के लिए, मतलब कॉलम के मानों की रिकॉर्ड की संख्या ज्ञात करने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है, तो 69 का सही आंसर है वो है सी, काउंट। 70, लॉग इन के लिए एक कंप्यूटर सुरक्षा को सूचना प्रणाली के घटक के उदाहरण के रूप में जाना जाता है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा प्रोसीड्यूर, तो सही आंसर इसका 70 का बी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।